आप सभी को खाटू श्याम बाबा जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खाटू श्याम बाबा जी को राहु ग्रह के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि खाटू श्याम बाबा जी का सिर होता है, जिसे हम राहु कहते हैं। अब हमारी जन्म कुंडली में राहु सही है कि खराब है, आप कैसे जान सकते हैं? देखिए, राहु होता है ससुराल। अगर आपकी आपके ससुराल वालों के साथ अच्छी बन रही है तो आपका राहु अच्छा है। अगर आपकी ससुराल वालों के साथ अच्छी नहीं बन रही तो आपका राहु खराब है। दूसरी बात, राहु अगर आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान बिना बात के जल्दी ही खराब हो जाते हैं, या आपका मोबाइल खराब हो जाता है, आप लाते तो हैं मोबाइल और उससे पहले ही उसको ठीक कराने के लिए पहुंच जाते हैं, या आपका कभी मोबाइल का स्क्रीन सेवर टूट गया या बैटरी खराब हो गई, कोई भी वजह हो मोबाइल खराब होने की, समझिए आपका राहु खराब हो रहा है। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान खराब हो रहे हैं, या आपने इलेक्ट्रॉनिक सामान बेड के अंदर भी रखे हैं, तो भी ये आपके जीवन में गलत असर लेके आएंगे। चार नंबर है राहु का, और उधर से खाटू श्याम बाबा जी का जन्मदिन है, यानी आज के दिन आप अपने राहु को कैसे ठीक कर सकते हैं? आप लोग खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर जाएं, वहाँ पर आप कुछ भी डोनेट करें, केले मिठाई कुछ भी डोनेट करें, आपको ज़रूर दान करना चाहिए, जिससे कि अगर आपका राहु खराब हो रहा है तो आपके राहु को सही होने में राहत मिले। अब दूसरा, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु और राहु की युति है, या फिर गुरु की राहु पे दृष्टि है, या राहु की गुरु पे दृष्टि है, तो आप समझ लीजिए कि आपका गुरु चंडाल योग बन रहा है। अब आपको इस योग को, गुरु चंडाल योग को ठीक करने के लिए आज के दिन क्या उपाय करना है, या वैसे भी आप ये उपाय कर सकते हैं पर आज के दिन भी करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब आपको क्या उपाय करना है, एक तो आप केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। डेली केसर का तिलक लगाएंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, आपने क्या करना है, आपने धर्म स्थान पे पंखा लगवाना है। अब मैंने आपको ये उपाय क्यों बताया है, अब बिजली से चलने वाला ये पंखा जो है, इसे राहु कहते हैं, और जब ये पंखा हवा देता है उसे गुरु कहते हैं। गुरु और राहु दोनों को मिला के हमने जब धर्म स्थान पे लगा दिया, तो गुरु चंडाल योग जो आपका बना हुआ था, उसमें आपको कुंडली में सही करने में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ा उपाय है गुरु चंडाल योग को कुंडली में ठीक करने के लिए। अब गुरु चंडाल योग जो होता है वो क्या है, मतलब यानी कि चंडाल चढ़ गया, कहने का मतलब है ऐसे पर्संस की कथनी और करनी में फ़र्क होता है। ऐसे लोगों को हमेशा जीवन के अंदर, व्यापार के अंदर कभी भी तरक्की नहीं मिलती। ये लोग बुज़ुर्गों का निरादर करना शुरू कर देते हैं, यानी आपकी बुद्धि सही जगह पे नहीं लग रही। गुरु चंडाल योग, राहु हो गया आपका माइंड, दिमाग, बुद्धि, और वो जब चंडाल योग बन गया तो वो आपकी बुद्धि को सही दिशा में लगने नहीं देगा। अगर आप अपने गुरु चंडाल योग को ठीक करना चाहते हैं तो ये छोटा सा उपाय करेंगे तो आपको जीवन में बहुत बड़ा फायदा होगा। जय श्री राधे, जय गुरु जी।